और संस्कृति है उसके अनुरूप शिक्षित करता रहेगा, जिससे युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना प्रगाढ़ होगी और हम सब मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में सफल होंगे। मैं अभी उद्घोषक महोदय जब यहाँ से कह रहे थे कि संकल्प लेकर जीवन में आगे बढ़ना है, तो मैं आप सबसे कहूँगा जिन्होंने भी आज जिनको भी आज हम सबके हाथों ये उन्होंने हमको अवसर दिया कि हम उनको सम्मानित करें, अच्छी पढ़ाई करी, अच्छा मेहनत किया, परिणाम लाए, तो मैं उन सबको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उसके साथ साथ उनके गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ, उनके माता पिता को भी बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से और जिनकी शिक्षा और संस्कार से आप सबको ये दिन आज मिल रहा है, समय मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप अपने जीवन में कोई संकल्प लें और उस संकल्प में कोई विकल्प लगाए, तो निश्चित रूप से जब हम संकल्प में कोई विकल्प नहीं लाते हैं तो हमारा संकल्प पूरा हो जाता है, और संकल्प में विकल्प आ गया तो ये मानिए कि जैसे ही संकल्प में विकल्प आता है वैसे ही हमारा संकल्प टूट जाता है, जो रास्ते हमारे वो भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर चली जाती है, और जो हमारे सपने होते हैं वो सपने हमसे डूब जाते हैं। इसलिए अपने सपनों में मैं हमारे सभी भैया बहनों से कहूँगा कि अपने संकल्पों में कभी भी विकल्प नहीं लाना है, और जो संकल्प है उसकी इतनी बड़ी शक्ति है कि संकल्प लेना ही ये मान लीजिए कि हमारे संकल्प का पूरा होना है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आप सभी जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे, जो भी क्षेत्र का आप आने वाले समय में चयन करेंगे, या जहां भी आपको लगेगा कि मैं इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, उन क्षेत्रों का चयन करके आगे बढ़िए। भगवान की कृपा से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस रास्ते को भी चुनेंगे उस रास्ते में आपको मंजिल प्राप्त होगी, और हर दृष्टि से, क्योंकि अब आप देखिए, आज हम सब लोग आपको यहाँ सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, आपके माता पिता भी आए हैं, अभिभावकगण भी आए हैं, विशिष्ट जन भी आए हैं, मंच पर भी अनेक विशेषताएं जिनकी हैं वो सब लोग आए हैं। अब आप केवल अपने माता पिता के केवल पुत्र एवं पुत्री नहीं है, अब आपसे पूरे समाज की बहुत अपेक्षाएं हैं, आपके विद्यालय की बहुत अपेक्षाएं हैं, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लोगों की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ हम कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं तो हमारे साथ हमारे आस पड़ोस की, हम जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उन सबकी भावनाएं संभावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं, उनके आशीर्वाद भी हमारे साथ हमको प्राप्त हो जाते हैं, और निश्चित रूप से हमसे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो हमको सबको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पुनः एक बार आप सबको मैं बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, और आज इसके अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ कि श्री गोवर्धन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भवन निर्माण के लिए ये 60 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता है ये प्रदान की जाएगी। अंत में आपके लिए प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को और उनके माता पिता गुरुजनों को सबको बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।